हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। आज के इस लेक्चर में हम 50 से ज़्यादा क्वांटिटीज का SI यूनिट और अदर यूनिट्स भी देखेंगे। ओके, तो ये लेक्चर बहुत सारे JEE लेवल के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सारे यूनिट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे SI यूनिट के बारे में पूछे, या फिर सिंपली यूनिट पूछे, या क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि आपको कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दे दे और फिर पूछे कि ये क्वांटिटी किस में मेजर किया जा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक यूनिट से, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें पहला है लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं L से। दूसरा है मास, जिसे हम डिनोट करेंगे M से। तीसरा है टाइम, चौथा है करंट, पांचवा होगा टेम्परेचर, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ का यूनिट होगा मीटर और इसका सिंबल होगा स्मॉल m। ओके, यहां पर लेंथ कहने का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे इन मीटर। मीटर है इसका SI यूनिट, यहां पर आप लिख लीजिए दिस इज SI यूनिट। लेकिन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर के अलावा और भी कुछ यूनिट्स का यूज किया जाता है, जिसमें पहला यूनिट हम लिखेंगे अंगस्ट्रम, जिसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अंगस्ट्रम के बारे में आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि 1 अंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। यह यूनिट वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, लेकिन यदि आप लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट है विच इज लाइट ईयर। इसका मतलब एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। ओके, तो इसकी वैल्यू यदि आप नोट करना चाहो तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर। यदि आप इसे किलोमीटर में लिखना चाहें तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर। ओके, तो अब डिस्टेंस का नेक्स्ट यूनिट देखते हैं विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं AU। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इन 1 ईयर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 AU इज इक्वल टू 1.5 × 10^11 मीटर। या फिर आप इसे यदि किलोमीटर में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1.5 × 10^8 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि कहलाता है मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इन 1 ईयर। ओके, डिस्टेंस का एक और यूनिट है जो कि है पारसेक, PARSEC। यह शॉर्ट फॉर्म है पार सेकेंड का। ओके, तो 1 पारसेक विल बी इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ओके, यदि आपसे पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन पूछे तो आप बताएंगे 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। नाउ दूसरी क्वांटिटी देखते हैं विच इज मास। इसका SI यूनिट होगा किलोग्राम और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे kg। ओके, तीसरी क्वांटिटी है टाइम, जिसका SI यूनिट होगा सेकेंड और इसका सिंबल होगा स्मॉल s। नेक्स्ट वन इज करंट, इसका SI यूनिट होगा एम्पियर और इसका सिंबल होगा a। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो SI यूनिट होगा वो होगा केल्विन और इसका सिंबल k होता है। टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। लेकिन यदि आपसे टेम्परेचर का SI यूनिट पूछे तो आप कहेंगे केल्विन, ना कि सेल्सियस और ना ही फारेनहाइट। ओके, यहाँ पर आप टेम्परेचर के इन तीनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन देख लीजिए। यदि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में पूछा गया है तो इसके लिए आप डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू
केल्विन में मिल जाएगी। दूसरा रिलेशन देखिए, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। यदि आप ये दो रिलेशन याद रखेंगे तो टेम्परेचर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होगा वो होता है कैंडेला और इसका सिंबल होगा CD। नेक्स्ट देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट होगा मोल MOLE और इसका सिंबल होता है MOL। तो ये थे हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स हमने देखे। नाउ अब हम देखेंगे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उसके यूनिट्स। इसमें पहला है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होगा विच इज रेडियन और इसका सिंबल होता है RAD। नेक्स्ट क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होगा वो है स्टेरेडियन और इसका सिंबल होगा SR। इसके अलावा अब जितने भी क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स होंगे वो सब डिराइव्ड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। फर्स्ट वन इज एसिलरेशन। जो इसका SI यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ ही आप यहाँ पे नोट करिएगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द सेम यूनिट फॉर जी। और ये जी क्या है? जी इज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एसेलरेशन ए हो या फिर एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो यानी कि जी हो, दोनों का जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम जी के बारे में कुछ और पॉइंट नोट करते हैं कि जी यानी कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। यदि आप पृथ्वी की बात करो तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू मिलेगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि हम मून की बात करें तो मून पे जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दिस इज 1/6 टाइम्स ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी कि यदि हम मून पे जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होगा 9.8 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज ऑन मून। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी आप नोट करिए फोर्स। तो हम देखते हैं फोर्स के बारे में। इसका सिंबल होता है F और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन यानी कि डिनोटेड बाय N। न्यूटन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? उसके लिए आप देखिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन होता है। मास का जो SI यूनिट होगा दैट इज किलोग्राम और जो एसेलरेशन का SI यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए आप यहां से ये लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यही कहलाता है 1 न्यूटन। तो इसलिए आप यहां से लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी नोट करिए मोमेंटम। जैसा कि आपको पता होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से आप इसका SI यूनिट लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी नोट करिए प्रेशर। तो प्रेशर का जो SI यूनिट होगा वो होता है पास्कल और इसका जो सिंबल होगा दैट इज PA। यही पास्कल सेम यूनिट होता है इन केस ऑफ स्ट्रेस। यानी कि यदि आपके क्वेश्चन में प्रेशर पूछा हो तो भी आप SI यूनिट लिखिएगा पास्कल। यदि क्वेश्चन में स्ट्रेस के बारे में पूछा हो तो इसका भी SI यूनिट होगा पास्कल। नाउ प्रेशर को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब आप प्रेशर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑल यूनिट्स आर सेम। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा कि प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन बार, या फिर हम प्रेशर को ATM में भी मेजर करते हैं या फिर हम इसे टॉर में भी मेजर करते हैं।
लेकिन यदि एसआई यूनिट की बात हो तो प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल ही होता है। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसमें मेजर किया जाता है तो आप कहेंगे एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम में मेजर किया जाता है और ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन एमएमएचजी यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। कहने का मतलब कि यदि किसी ह्यूमन बॉडी का बीपी मेजर करना हो तो उसका जो यूनिट होता है वो जनरली हम लेते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में यानी कि एमएमएचजी में। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 120/80, तो इसमें जो 120 और 80 होता है इसके साथ हम लिखते हैं एमएमएचजी जो कि इस ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है। तो प्रेशर के बारे में आपने बहुत सारी चीजें देख ली कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होगा वो होता है पास्कल। प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर में भी एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रेशर को हम बार, एटीएम या टॉर में भी मेजर करते हैं। यदि हमसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट की बात की गई हो तो उसके लिए हम एटीएम यूज करते हैं, और यदि ब्लड प्रेशर की बात किया गया हो तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ से प्रेशर के बहुत सारे यूनिट को हम लोग देख चुके हैं, तो इनमें अब रिलेशन देखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 101 किलो पास्कल। दिस इज केपीए मींस किलो पास्कल। दूसरा रिलेशन देखिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 760 mmHg, या फिर आप ये लिखेंगे कि 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 760 टॉर। इतने रिलेशन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². यहाँ पे m होता है मास, इसलिए आप इसकी जगह पे लिख सकते हो किलोग्राम, और यहाँ पर v होता है, यहाँ v होता है वेलोसिटी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट बनने वाला है विच इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और इसी यूनिट को हम कहते हैं जूल। और जब आप इस यूनिट को ध्यान से देखेगा तो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन मीटर। तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के एसआई यूनिट की। जो इसका एसआई यूनिट होगा वो होता है जूल, और जैसा कि हम देख चुके हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसे ये लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर। दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh। यहाँ से आप इसके यूनिट का पता लगा सकते हैं, m इज मास इसलिए आप लिखोगे kg, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसका यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज लेंथ इसलिए आप इसकी जगह पे लिखोगे m यानी कि मीटर। यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट मिलेगा विच विल बी इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट हुआ जूल और पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट हुआ जूल। नेक्स्ट क्वांटिटी की हम बात करते हैं विच इज हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा ये भी होगा जूल। लेकिन यदि आपसे हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का यूनिट पूछे तो आप कहोगे कि एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी या एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होता है जूल, लेकिन आप इसे वॉट सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यहाँ पे पावर होता है वॉट में और टाइम होता है सेकेंड में, इसलिए एनर्जी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज वॉट इनटू सेकेंड। लेकिन यदि एसआई यूनिट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा जूल। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 1 जूल विल बी इक्वल टू
1 वॉट सेकेंड, ओके, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन BOT यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो यहां से आप BOT के बारे में नोट करिएगा कि 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड, इट मीन्स 1 BOT विल बी इक्वल टू 1 किलोवाट आर, या फिर इसके जगह पे आप लिख सकते हो 1 किलोवाट की जगह पे 1000 वाट इनटू 1 आर की जगह पे 3600 सेकेंड। तो यहां से आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 36 × 10⁵ वाट सेकेंड। और जैसा कि हमें पता है कि हम वाट सेकेंड को जूल लिख सकते हैं, तो इसलिए 1 BOT विल बी इक्वल टू 36 × 10⁵ जूल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, एक्टिव पावर, या फिर सिंपली हम इसे पावर कहते हैं, तो इसका SI यूनिट होगा वॉट, लेकिन हम इसे जूल पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप इसके साथ जूल पर सेकेंड भी लिख लीजिए, लेकिन यदि SI यूनिट पूछे तो वो होगा वॉट। इसके साथ एक और पॉइंट आप नोट करिए कि पावर इज ऑल्सो मेजर्ड इन हॉर्स पावर, या फिर हम इसे शॉर्ट में कहते हैं HP। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746 वॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट लिखिए VAR यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स पावर, या इसे अपेरेंट पावर भी कहते हैं, इसका यूनिट नोट करिए वोल्ट एम्पियर। एग्जांपल के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं कि वोल्ट एम्पियर में जिसकी रेटिंग होती है वो है रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में लिखी जाती है, ये KVA कॉम्प्लेक्स पावर यानी कि S को डिनोट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और इसका यूनिट होता है हर्ज, सिंबल इसका होता है HZ। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर सिंपली इसे चार्ज भी लिख सकते हैं, सिंबल इसका होता है Q, और इसका यूनिट होगा कूलम, इसका सिंबल होता है C। कूलम को आप एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट I इज इक्वल टू dQ/dt। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप dQ को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, I dt, तो इसका मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, ओके। हो सकता है आपके ऑप्शन में कूलम लिखा हो, या फिर वो एम्पियर सेकेंड में दे दे, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सिंबल होता है साई, और इसका यूनिट वही होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का है, यानी कि दिस इज ऑल्सो सी, ओके। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो है कूलम, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेवर, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं D से, और इसका जो यूनिट होगा वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ओके। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा C/m² यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो भी होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, C/m². सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ρS से, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं ρV से, और इसका यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं ρL से, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं E से, ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसलिए आप इसकी यूनिट लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम्ब, ओके, या फिर इसकी दूसरी यूनिट आप लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर। हो सकता है ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम्ब हो या फिर वोल्ट पर मीटर हो, तो आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसका SI यूनिट होता है वेबर, और इसका सिंबल होगा WB, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं बी से, और इसका यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे टेस्ला बोल सकते हैं। टेस्ला को हम शॉर्ट में लिखते हैं टी। इन दो यूनिट के अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम न्यूटन मीटर पर एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। तो आप तीनों को याद रखिएगा, ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं एच से, और इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। कहीं कहीं आपको एम्पियर टर्न पर मीटर मिल सकता है, क्योंकि एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एल होता है। यहाँ पर एन आई है एमएमएफ, तो इसको हम लिख देते हैं एम्पियर टर्न, एंड दिस वन इज मीटर, इसलिए आपको कहीं कहीं मिल सकता है एम्पियर टर्न पर मीटर। लेकिन यदि करेक्ट यूनिट की बात किया जाए तो एच का जो यूनिट होगा वो एम्पियर पर मीटर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर टी जो है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे टी लिख दे तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट पूछे तो भी आप कहेंगे एम्पियर पर मीटर, बिकॉज बोथ आर सेम। नाउ नेक्स्ट वन इज रेसिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसका यूनिट होगा ओम। सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप नोट करिएगा कि यह ओम रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस का भी यूनिट होता है। ओके, इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं जेड से, जबकि रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स से, और रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। इन तीनों का यूनिट होता है ओम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेसिस्टिविटी। इसे हम डिनोट करते हैं रो से। रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी पूछे या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में पूछे तो आप कहेंगे इसका यूनिट होता है ओम मीटर, और इसका सिंबल होगा ओम मीटर। इसके यूनिट को ड्राइव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं जी से, और इसका यूनिट होता है साइमन, जिसे हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं एस। कंडक्टेंस का एक दूसरा यूनिट आप लिखिए मो, एम एच ओ मो। ओके, कंडक्टेंस का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर, यानी कि कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। इसके साथ आप नोट करिए कि कंडक्टेंस के अलावा ससेप्टेंस और एडमिटेंस का भी यूनिट होता है सीमन या फिर मो। ओके, तो कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस का यूनिट होगा सीमन यानी कि मो। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वांटिटी, विच इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और इसका जो यूनिट होगा वो होता है सीमन पर मीटर, या फिर आप इसे एस एम टू दी पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। इसके अलावा कंडक्टिविटी का एक दूसरा यूनिट आप नोट करिएगा मो अपॉन मीटर। क्वेश्चन में हो सकता है मो अपॉन मीटर हो या फिर सीमन बाय मीटर हो, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। ओके, मो अपॉन मीटर का जो सिंबल होगा वो आप नोट कर लीजिए। कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, यानी कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इसका यूनिट होता है हेनरी, और सिंबल है एच। ओके, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट होगा हेनरी। यहां से आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल। यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्न्स, a है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। दिस वन इज स्मॉल l, दिस इज लेंथ, और लेंथ का यूनिट होगा मीटर। यहाँ देखिए दिस इज म्यू, म्यू इज परमिएबिलिटी। तो अब हम परमिएबिलिटी के बारे में देखते हैं। परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू
म्यू आर। ओके, यहां से म्यू कहलाता है परमिएबिलिटी, म्यू नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यानी कि आप इसे कह सकते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, जबकि म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो वन बाय वन हम इन तीनों का यूनिट देखते हैं। सबसे पहले यूनिट हम देखेंगे इस म्यू का, यानी कि परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का जो यूनिट होगा वो होता है हेनरी, वो होता है हेनरी पर मीटर, यानी कि सिंबल के तौर पे आप इसे लिखोगे एच बाय एम। दूसरा देखते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यानी कि म्यू नॉट। तो यहां पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का भी यूनिट होगा हेनरी पर मीटर, इट मींस एच बाय एम। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से, और इसके बारे में आप लिखेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इज यूनिटलेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके, तो यहां से आप तीन तरह की परमिएबिलिटी के बारे में देख लिए। यदि क्वेश्चन में सिर्फ परमिएबिलिटी लिखा हो तो इसका यूनिट आप लिखेंगे हेनरी पर मीटर, यदि क्वेश्चन में आपसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के बारे में पूछे तो भी आप कहोगे इसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर, लेकिन यदि आपसे रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में पूछे तो इसके बारे में लिखोगे कि दिस इज यूनिटलेस, यानी कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट नोट करिए कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस हो चुका है, इंडक्टेंस हो चुका है, नाउ नेक्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। ओके, इसको डिनोट करते हैं सी से, और इसका यूनिट होता है फैराड, जिसका सिंबल होगा F, okay? इसके साथ ही आप कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, ए है एरिया ऑफ अ प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो है फैराड, यहाँ एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। तो अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बारे में। तो नेक्स्ट वन आप नोट कर लीजिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसका जो यूनिट होगा वो होता है फैराड पर मीटर, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं एफ बाय एम। नाउ नेक्स्ट वन नोट करिए रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कि दिस इज यूनिटलेस। नेक्स्ट वन नोट करिए परमिटिविटी, इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि परमिटिविटी का जो यूनिट होगा वो भी होगा फैराड पर मीटर। तो यहां से आप देख चुके हैं कि यदि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में पूछे तो आप कहोगे फैराड पर मीटर, और यदि सिंपली परमिटिविटी के बारे में पूछे तो भी आप कहोगे फैराड पर मीटर, लेकिन यदि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पूछे तो आप कहोगे दिस इज यूनिटलेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आप नोट करिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जब कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में भी देख लें। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में आप लिखिए कि दिस इज मेजर्ड इन किलो वोल्ट पर एमएम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है किलो वोल्ट पर एमएम में। नेक्स्ट वन नोट करिए रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का सिंबल होता है एस, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा वन अपॉन हेनरी, या फिर आप इसे हेनरी इनवर्स भी लिख सकते हैं एस टू दी पावर माइनस वन, ये हेनरी वही है जो इंडक्टेंस का यूनिट है, लेकिन ऑप्शन में आपको एम्पियर टर्न पर वेबर भी हो सकता है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं एम्पियर टर्न पर वेबर। ओके, नेक्स्ट वन नोट करिए परमिएंस, PERMEANCE, परमिएंस का जो यूनिट होगा वो होता है हेनरी, जिस तरह से रिलक्टेंस का यूनिट होगा हेनरी इनवर्स, तो उसी तरीके से परमिएंस का यूनिट होता है हेनरी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि रिलक्टेंस और परमिएंस एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि परमिएंस की जगह पे आप लिखोगे कि वन अपॉन रिलक्टेंस। परमिएंस का यूनिट आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है कि दिस इज वेबर पर एम्पियर टर्न।
क्योंकि जब रिलक्टेंस का यूनिट हो सकता है एम्पियर टर्न पर वेबर, तो परमियंस जो कि 1/ रिलक्टेंस है तो इसका यूनिट हो सकता है वेबर पर एम्पियर टर्न। आपको ऑप्शन में यदि ये मिले तो आप इसे मार्क करिएगा, या फिर इसका सिंपली यूनिट होता है हेनरी तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन नोट करिए, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इसका जो यूनिट होता है वो है कैंडेला। नेक्स्ट वन आप नोट करिए, लुमिनस फ्लक्स। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स देख चुके हैं, अब देखते हैं लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से, और इसका जो यूनिट होगा वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन का सिंबल होता है एल एम। ओके, लुमिनस फ्लक्स का दूसरा यूनिट होगा सी डी इंटू एस आर। सी डी एस आर, सी डी है कैंडल पावर और एस आर है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल यानी कि स्टेरेडियन। तो सी डी एस आर लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है। दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकते हैं तो आप उसे मार्क करिएगा। नेक्स्ट वन इज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज लक्स, एल यू एक्स लक्स, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो होता है एल एक्स। ओके, तो इल्यूमिनेशन का यूनिट होगा लक्स। लक्स की जगह पे आपको ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी मिल सकता है, या फिर ऑप्शन में आपको मीटर कैंडल भी मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों इल्यूमिनेशन के ही यूनिट्स हैं, लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या मीटर कैंडल। नाउ नेक्स्ट वन इज लैंप एफिशिएंसी, या इसे हम ल्यूमिनस एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो इसका यूनिट होगा ल्यूमेन पर वॉट। ओके, लैंप एफिशिएंसी या ल्यूमिनस एफिशिएंसी का यूनिट होगा ल्यूमेंस पर वॉट, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है उसे हम लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहाँ पर जो आउटपुट होता है ये होता है ल्यूमिनस फ्लक्स यानी कि इसका यूनिट होगा ल्यूमेन, और इनपुट होता है एक्टिव पावर जिसका हम यूनिट लिखेंगे वॉट। तो यहाँ से एफिशिएंसी का जो यूनिट होगा वो होगा ल्यूमेंस पर वॉट। ओके, तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे यूनिट्स को कवर किया है, कि यदि आप इन सारे यूनिट्स को याद रखेंगे तो एग्जाम में आपका एग्जाम में यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें कमेंट में कुछ सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।